नारायण नारायण। आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और मां सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। थमा दीजिए हाथ, नारायण नारायण बोल दीजिए। श्रीमती सिमरन लिखती है कि एक दिन की बात, सुबह का वक्त था, मुझे पता चला कि आज मेरी हेल्पर देरी से आने वाली है। चूंकि हमारी मेरी हेल्पर और पड़ोसन की हेल्पर, हम दोनों के यहाँ एक ही हेल्पर काम करती है, मैं उसे पड़ोसन को बताने के लिए गई कि आज हमारी हेल्पर देरी से आने वाली है। जब मैं उसके यहाँ पहुंची तो मैंने देखा उसका इतना सा दरवाजा खुला हुआ था, जो इतना सा दरवाजा खुला हुआ था, मैंने सहज ही उसमें से भीतर झांक लिया और भीतर का दृश्य देखकर तो मैं दंग ही रह गई। डाइनिंग टेबल पर जूठे बर्तन भरे पड़े थे, सोफे पर रात के बिस्तर फैले पड़े थे, पूरा कमरा दूध की बोतल दूध फैला पड़ा था। मैं सोचने लगी, इतने अस्त व्यस्त घर में कोई कैसे रह पाता होगा, और ऐसा भी नहीं सुबह के 10 बज रहे थे, कोई मेरा घर आके देखे चकाचक मिलेगा। ये मेरी पड़ोसन कितनी आलसी है, कितनी लापरवाह है। ये विचार मेरे चल ही रहे थे कि सामने से 4 नंबर की पड़ोसन आई, मैंने उसे भी बुलवाया और इतने से दरवाजे में से उसे भी दिखाया कि देखो आपकी हंसी बता रही है ऐसा काम आप भी करते हैं। उसे भी दिखाया कि कितनी आलसी है, कितनी लापरवाह है, कोई इतने अस्त व्यस्त घर में कैसे रहता होगा। उसका भी कहना था कि हाँ कितना फैला रखा है घर को। हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि भीतर से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी और मैंने इस डर से डोर बेल दबा दी कि कहीं ऐसा ना हो वो पड़ोसन बाहर आके हमें अपने घर में झांकता हुआ देखे, ये उचित नहीं होगा। जो ही मैंने बेल दबाई वो 4 नंबर पड़ोसन तो चली गई। मैं गेट पर खड़ी थी, भीतर से आवाज आई, कौन है? मैंने कहा मैं हूं। बोला आप भीतर आ जाइए। लिखते सिमरन कि भीतर का दृश्य देखकर मैं और भी दंग रह गई। मेरी पड़ोसन का 1 साल का बच्चा बुखार में तप रहा था, अपनी माँ को छोड़ रहा था। बताया उसने कि पिछली रात वो बहुत बीमार था, डॉक्टर ने उसे एडमिट करने के लिए बुलाया है, और उसका पति बैग भर रहा था सामान अस्पताल में लेके जाने के लिए। जब ये सारा दृश्य मैंने देखा, नितिन सिमरन, मैंने उससे कहा कि आज जाते वक्त अपनी चाबी दे जाना, मैं पीछे से हेल्पर से सफाई करवा लूंगी। नितिन सिमरन कि किस तरह घड़ी के पेंडुलम की तरह मेरे विचार उस दृश्य को देखकर बदल गए और मुझे भीतर से जबरदस्त गिल्ट महसूस हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे जाने कितना कुछ गलत सोच लिया, कितना कुछ गलत कह दिया, और तो और उस 4 नंबर वाले पड़ोसन को बुला लिया, उसके सामने भी निंदा कर ली। भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैंने तो ठान लिया। आपका क्या इरादा? जब आप निंदा, क्या करा आपने? दोषारोपण किया किसने? माधव ने। बिना सोचे समझे
सना पर दोषारोपण किया कि जैकेट लेकर वो चली गई है, और इस पड़ोसन ने पड़ोसन के लिए कहा आलसी है, लापरवाह है, ये क्या किया, निंदा की। जब आप निंदा करते हैं, ताना मारते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, ध्यान से देखिए आपके मुख से वाणी निकलती है। और शास्त्रों के अनुसार यहां पर मां सरस्वती जी का वास है, ये हम सबको पता है। अब ये जानने वाली बात है कि हमारी जीवा पर मां लक्ष्मी जी विराजती है, यहां पर मां सरस्वती जी है, हमारी जीवा पर मां लक्ष्मी जी है। जब आप दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, दोषारोपण करते हैं, अनादर करते हैं दूसरों का, तो जीवा पर बैठी हमारी लक्ष्मी मां आहत होती है कि मेरी बड़ी बहन के आसन का दुरुपयोग हो रहा है, मैं वहां पर नहीं रहूंगी। वो चली जाती है, वो गई यानी समृद्धि गई, ये पीछे हटते से ही ये कदम आगे कर लेती है। हम ध्यान रखिएगा, नारायण शास्त्र कहता है कि ये दोनों एकदम रेडी पोजीशन में खड़े हैं, आपने खाली एक्शन बोला, आपने वाणी से ताना मारा, क्रोध किया, निंदा की, किसी का अनादर किया, जीवा पर बैठी मां लक्ष्मी आहत होती है कि यहां उसकी बड़ी बहन के आसन मां सरस्वती का आसन है, आपने दुरुपयोग किया, वो चली जाती है। यानी ये पीछे गया तो कौन आएगा, आपका मौन बता रहा है कि बात भीतर उतर रही है। यदि आपको ये चाहिए है क्या, तो फर्स्ट कंडीशन वाणी का सदुपयोग। नारायण शास्त्र कहता है कि आपको यदि पूरा पैकेज चाहिए है तो आपको मां सरस्वती जी की आराधना करनी होगी, मां लक्ष्मी जी की नहीं, वो तो उनके साथ आने वाली है। कैसे करें आराधना मां सरस्वती की, हमेशा सही और उचित शब्दों का उच्चारण करके। आपके मुख से शब्द निकला, सामने वाले का चेहरा उतरा, तो समझ जाइए इसने कदम आगे बढ़ा लिया है। आपके मुख से शब्द निकला, सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आई, समझ जाइए इसने कदम आगे करा है। चुनाव आपका है, क्योंकि आप जब शब्द उच्चारित करते हैं आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, पर सामने वाले का दिखाई देता है। उसका उतर गया, सोच लीजिए दुख दरिद्र अशांति ने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। आपने कहा, उसके चेहरे पर मुस्कान आई, इसने आगे बढ़ा लिया है। टाइप है, एक आगे आया तो दूसरा अपने पीछे चला जाएगा। वाणी का सदुपयोग, ग्रीन पेन, आगे बढ़ते हैं मिस्टर अर्जुन के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं मिस्टर अर्जुन, वो जिसने कहानी लिखी उसका नाम अर्जुन है। मिस्टर अर्जुन लिखते हैं कि मेरे नाना जी के करीबी मित्र हैं श्री घनश्याम दास जी। हमारे पास एक्चुअली ये पर्सनल बात कर रहे हैं, दो चॉइस थी, या तो सूत्रों को सीधी सरल भाषा में परोस दें कि जो सूत्र आपको बताए जा रहे हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलना है, वफादारी के रास्ते पर चलना है,
वाणी का सदुपयोग करना है। तो संध्या जी का कहना था कि ऐसा बताओगे, ऐसा प्रवचन दोगे तो भीतर नहीं उतरेगा। जैसे बताया ना, कहा हमको बचपन से आदत है कहानियां सुनने की, नानी से दादी से। स्वभाव है हमारा, कहानियों के माध्यम से बातें सीधे उधर उतर जाती है। तो वही तकनीक, चूंकि आज इनकी पुस्तक का विमोचन भी हुआ है, इसलिए कहानियों के माध्यम से सूत्र आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आसान होता है ना समझना कहानियों के माध्यम से। अब बारी मिस्टर अर्जुन की। मिस्टर अर्जुन लिखते हैं कि मेरे नाना जी के करीबी मित्र हैं श्री घनश्याम दास जी। उम्र अंदाजन हूं उनकी हो गई 90 साल की। 30 साल पहले वे इंडियन रेलवे से रिटायर हुए और इसके बाद तो उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही बना लिया कि मुझे अध्यात्म फैलाना है और जरूरतमंदों की मदद करनी है। और इस काम में जो पेंशन उन्हें मिलती थी सारी की सारी खर्च कर देते। कोई आता गरीब, बेटी का ब्याह करना है ले लो, एजुकेशन के लिए ले लो, किसी का इलाज कराना है दे देते थे। और सबसे खास बात ये थी कि 90 साल की उम्र होने के बावजूद भी अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, क्योंकि वो एक पहुंचे हुए ज्योतिषाचार्य थे। दूर दूर के गांव के लोग अपना भविष्य जानने उनके पास आते थे। लिखते हैं मिस्टर अर्जुन कि उनसे भी वो फीस नहीं लेते थे, जिसने जो धर दिया उसे प्रेम से स्वीकार कर लेते और फिर ये सारी रकम भी जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने में लगा दी जाती। आगे लिखते हैं मिस्टर अर्जुन कि मैं भाग्यशाली रहा जो 30 साल पहले मुझे उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला जब मैं यंग था, और बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने मिला। और मुझे ये महसूस हो रहा था कि दिन प्रतिदिन मेरे भीतर उनके प्रति आदर बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए नहीं कि उनकी उम्र अधिक थी या समाज में उनका एक रुतबा था, बल्कि इसलिए कि जिस तरह से वो गरीबों की मदद करते थे अपने आप ही मैं नतमस्तक हो जाता। मैं देखा कि मेरा तो जीवन ही बदल गया उनके सानिध्य में रखे। मेरा ही क्यों, मैंने ये भी देखा कि जो भी उनके सानिध्य में आता आध्यात्मिक प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती, उसका जीवन भी सवर जाता। लिखते हैं अर्जुन कि उन्हें देख देख कर मेरे भीतर ये भाव आता कि उन्हें कभी भी अपने जीवन में धन या किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और इसकी पुष्टि भी हो जाती जब मैं देखता कि वो जरा से भी अस्वस्थ हैं, वो कुछ कहें किसी से मदद मांगे उसके पहले गांव का कोई व्यक्ति आता, गाड़ी लेकर आता, उन्हें बिठाता, डॉक्टर को दिखा के आता, लौटते वक्त दवाइयों की व्यवस्था करके चला जाता। उन्हें गांव में किसी से मिलने जाना है तो कोई ना कोई तैयार है लेके जाने के लिए, मंदिर दर्शन करने जाना है तो कोई ना कोई खड़ा रहता था। और ये सारी व्यवस्थाएं देख के मैं समझ जाता कि आज तक इन्होंने दूसरों की मदद की है, इसलिए प्रकृति इनकी मदद कर रही है। उनके सानिध्य में रह के मैंने ये चीज देखी कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं हम प्रकृति से जुड़ते हैं और प्रकृति हमारी मदद करती है। लिखते हैं अर्जुन कि कोई बड़ी बात नहीं है यदि आज श्री घनश्याम दास जी 90 की उम्र में स्वस्थ हैं, कमाई कर रहे हैं और एक आदर सम्मान से भरा जीवन जी रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि उन्होंने हमेशा हाथ ऐसा ही रखा, जरूरतमंदों की मदद की। इसलिए आज इन्हें जिन चीजों की जरूरत है
प्रकृति इनकी मदद कर रही है। लिखो इधर, जरूरतमंदों की, जब आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, प्रकृति आपकी मदद करती है। इसी से मिलती जुलती कहानी मिस्टर आरुणि की। क्योंकि नारायण शास्त्र में मदद को बहुत अधिक अहमियत दी गई है, अहमियत दी गई है, बहुत अधिक इसका महत्व तो बताया गया है। तो आरुणि के माध्यम से मिलता जुलता प्रसंग लिखते हैं मिस्टर आरुणि कि मैं भाग्यशाली रहा जो मेरी एजुकेशन पूरी होते से मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई दिल्ली में, मैं रहने वाला मुंबई का। लिखते हैं आरुणि, इसके पहले भी मैं कई बार मुंबई से बाहर जा चुका था पर थोड़े थोड़े समय के लिए, और इस बार तो मुझे एक लंबे समय के लिए जाना होगा, अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर, अपने माता पिता से दूर, नौकरी जो करनी थी। लिखते हैं आरुणि कि शुरू शुरू में तो मैं बेहद खुश था दिल्ली जाकर, अपने लिए घर ढूंढना, घर का सामान खरीदना, जो चाहे सो करूं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि अब तक मैंने अपने जीवन में कई चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था। घर में तो कहीं भी सामान उठाता कहीं भी पटक देता, माँ बिचारी उठाती रहती, और यहां तो मुझे उतना ही सामान खरीदना था जितने की मुझे जरूरत थी, क्योंकि उठाकर भी तो मुझे व्यवस्थित रखना था। लिखते हैं आरुणि कि सबसे अधिक समस्या मेरे सामने आई भोजन की, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। खाने की व्यवस्था थी कि होटल में जाओ, जाकर खाकर आओ, यदि घर में खाना है तो खुद जाकर पार्सल बंधवाओ, घर में आकर खाओ। लिखते आरुणि कि मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब इंटरनेट सुविधा नहीं थी और न ही कोई ऐसा ऐप था कि आप फोन करो और भोजन आ जाएगा, नहीं, जाकर खा कर आओ या लेकर घर आओ फिर खाओ, ये अवस्था की व्यवस्था थी। लिखते आरुणि कि जल्द ही मैं इस व्यवस्था से उठा गया, मुझे अपने घर की, माता पिता की, घर के खाने की याद आने लगी, लेकिन मैं जा तो सकता ही नहीं था, नौकरी जो थी। आगे लिखते आरुणि कि जब मैं मुंबई से रवाना हुआ था दिल्ली के लिए तो मेरे पिताजी ने मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दिया था हमारे एक दूर के परिचित का, कि दिल्ली जाकर इनसे संपर्क भी करना, इनसे मिलकर भी आना। पिताजी के बारंबार दबाव डालने पर एक दिन मैंने उस दूर के परिचित को फोन कर ही लिया। फोन पर उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से बात की और दो दिन बाद रविवार था, घर आने का निमंत्रण भी दे दिया। लिखते हैं अरुणे कि उन्हें तो मैंने हामी भर दी, लेकिन मेरी मंशा नहीं थी जाने की। पहली बात तो ये कि वो ठहरे दूर के परिचित, मैं तो जानता भी नहीं। दूसरा, मैं दिल्ली के कोने में, वो दूसरे कोने में, यदि उनके यहाँ मुझे जाना है तो दो दो बस बदल के जानी पड़ती, मैंने, मेरी मंशा नहीं थी। लेकिन अगेन मेरे पिता के दबाव डालने पर मैं वहां पर दो दो बस बदल के पहुंचा। अच्छा खासा बड़ा परिवार था, 10-12 जनों का, बूढ़े माता पिता, उनके बेटे, उनके बच्चे, इस तरह। लिखते आरुणि कि उन्होंने बहुत ही प्रेम और आदर के साथ मेरा वेलकम किया। थोड़ी देर तक तो वो इधर उधर की बातें करते रहे, इसके बाद मुझे भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। लिखते आरुणि ये मेरे लिए सरप्राइज था। थोड़े संकोच के बाद मैंने हामी भर दी। मैं डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठा,
सामने थाली परोसी गई और मैं ये देखकर गदगद हो गया कि मुझे आज घर का बना भोजन खाने मिलेगा। लिखते आरुणी, सचमुच में खाना बहुत स्वादिष्ट था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस अपनत्व, जिस मनोहार, जिस आत्मीयता के साथ वो भोजन परोस रहे थे, उनका तो मैं शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकता। मैं भीतर ही भीतर आभार से भरा जा रहा था उनके इस व्यवहार को देखकर। मेरा मन हुआ उनसे गले लगकर खूब रोऊं, इतना गदगद था मैं, लेकिन संकोचवश ऐसा नहीं कर पाया। भोजन करते करते सतत मेरे भीतर एक ही बात चल रही थी कि जो ये अच्छा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं, इसका बदला मैं किस तरह चुकाऊंगा। भोजन पूरा हुआ, उन्होंने मुझे रात वहीं रुकने के लिए कहा, पर मुझे तो अपने घर लौटना था, मैंने मना कर दिया। लिखते आरुणे कि उन्होंने मुझे साथ में पार्सल भी दिया, जिन जिन चीजों के लिए मैंने कहा था बहुत अच्छा बना है, और मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए भी आए। पूरे रास्ते लिखते आरुणे मैं यही सोचता रहा कि इनके अच्छे व्यवहार का बदला मैं कैसे चुकाऊं, पर मैं चुका नहीं पाया क्योंकि मैं उन्हें इतना जानता नहीं था कि उन्हें किस चीज की जरूरत है ताकि वो चीजें मैं पहुंचा सकूं, और दूसरा मैं दिल्ली के कोने में, वो दिल्ली के दूसरे कोने में। लिखते आरुणी समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। थोड़ा समय दिल्ली में रहने के बाद मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया। 2 साल मुंबई रहा, अगेन 5 साल मुंबई रहा, अगेन दिल्ली ट्रांसफर हुआ। इस बार लिखते आरुणी कि जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो मैं अकेला नहीं था, मेरी पत्नी, मेरा छोटा बेटा भी साथ था। हम दिल्ली में रच बस गए थे। ऐसे में एक दिन मेरे पिताजी का फोन आया कि हमारे कॉम्प्लेक्स में को केशव नाम का लड़का है जो दिल्ली में अपना बिजनेस सेट करने आ रहा, नया बिजनेस। तो उनकी तो उनका तो फोन इसलिए था कि जब वो मुंबई से आ रहा है तो कोई सामान चाहिए है तो उसके साथ भिजवा देंगे। लिखते हैं केशव अरुणी कि उन दिनों फ्लाइट में आना जाना नहीं होता था, लोग ट्रेन से ही यात्रा करते थे और एक दूसरे का सामान भी आसानी से पहुंचाते देते थे। लिखते अरुणी कि सामान तो मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने अपने पिता से केशव का कॉन्टेक्ट नंबर लिया। पिता का फोन रखते से केशव को फोन किया और उसे अपने घर रुकने का निमंत्रण दे दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने घर रुकने का उसे निमंत्रण दूंगा क्योंकि विशेष हम लोगों की उससे पहचान नहीं थी, पर उसने भी उतने ही प्रेम से मना कर दिया कि मैंने एक होटल में व्यवस्था कर ली है। नियत दिन वो स्टेशन से केशव सीधे मेरे घर आया क्योंकि पिता ने जो पार्सल दिया था वो पहुंचाने के लिए, और वो सामान रखकर वो अपनी जहां पर उसने व्यवस्था कर रखी थी अपनी, वहां जा रहा था। केशव लिखते हैं कि मैंने उसे जबरदस्ती अपने घर रोक लिया और वो सारी सुख सुविधाएं दी जो हम भोग रहे थे। थोड़े समय रहने के बाद जब उसका बिजनेस चल निकला, उसने अपनी व्यवस्था कर ली, जाने की तैयारी कर ली। जब वो हमारे यहां से जा रहा था, लिखते आरुणी उसकी आंखें नम थी, बहुत ही खुश और संतुष्ट होकर हमारे साथ हमारे यहां से जा रहा था। उसका कहना था कि उस समय उसने हमारे साथ बिताया वो जीवन के उसके सर्वोत्तम दिवस थे। उसके जाने के बाद मुझे भी एक प्रकार की संतुष्टि महसूस हुई, और जो भाव मेरे भीतर आया, जो भाव भीतर आया वो ये था कि ये वो व्यक्ति मिस्टर ए जिसके यहां मैं गया था 2 बस बदल के, जहां जाने की मेरी मंशा नहीं थी, हमारे दूर के परिचित, जहां मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया गया, ग्रीन पेन देना, और ये वो लड़का केशव।
जिसके साथ बिना किसी मतलब के मैंने अच्छा व्यवहार किया, मुझे ये एहसास हुआ कि जरूरी नहीं है कि जो हमसे अच्छा व्यवहार करता है, जो भाई अच्छाई जताता है, वो अच्छाई उसे ही वापस लौटाई जाए, जरूरी नहीं है। जो अच्छाई आपको मिली है, जिसे जरूरत है, उस तक पहुंचाना है। ये मैंने इस केस में सीखा। जो अच्छा व्यवहार मुझे मिला, वो अच्छा व्यवहार मैंने केशव को लौटाया। जब ये मेरे यहां से खुश और संतुष्ट गया और मैं देखने लगा, इसके बाद मेरे स्वभाव में एक आदत, मुझे एक आदत पड़ गई कि मैं इर्द गिर्द देखता कि किससे किस चीज की जरूरत है, क्या मदद कर सकता हूं मैं उसकी। ये मेरी आदत में समावेश हो गया, क्योंकि जब ये मेरे यहां से खुश और संतुष्ट हो गया और मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करके खुशी और संतुष्टता का एहसास हुआ। इसके बाद मैंने अपने भीतर एक आदत सी डाल दी कि मैं अपने इर्द गिर्द देखता कि किसे किस चीज की जरूरत है, ताकि मैं उसकी उस जरूरत को पूरी कर सकूं। जब मैंने लिखते आरूं कि ऐसा करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि मेरी जरूरतें अपने आप ही पूरी होने लगी थी। मेरे काम बेहद आसानी से, सरलता से आगे बढ़ते जा रहे थे। जो जो मैं दूसरों का काम आसान करता जा रहा था, मेरे काम आसान होते जा रहे थे। कहते हैं अरुण कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके काम होने में बहुत अधिक रुकावटें आती है, तो दूसरों को उनके काम आगे बढ़ाने में मदद करना शुरू कर दीजिए। आपके काम ऑटोमेटिक अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक सुंदर सा भजन कि आपकी क्या अवस्था होगी जब आप दूसरों की जरूरतें पूरा करना शुरू कर देंगे, दूसरों का काम आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। दो पंक्तियां, दूसरों को उनका काम पूरा करने में जब मदद करेंगे, तो आपकी क्या अवस्था। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति की बात करते हैं। अमेरिका का क्यों कहते हैं कि विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति था मिस्टर रॉकफेलर। एक बार जब वो अस्वस्थ हुआ तो बिस्तर का ही होकर रह गया। बड़े से बड़े डॉक्टर्स उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे, महंगी से महंगी दवाइयां अपना असर नहीं दिखा रही थी। उसके सेंसेस तो काम कर रहे थे, पर शरीर एकदम निर्जीव था। वो न तो करवट ले सकता था, न उठ सकता था, न बैठ सकता था। सारे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। जितनी कंपनियां कहते हैं उसने खड़ी कर रखी थी, सबकी रिपोर्ट्स उसके पास पहुंचती, लोग एडवाइस उससे लेते हैं,
वो सारा काम उसका चल रहा था, लेकिन शरीर की पीड़ा और कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। और जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे, थोड़ा वॉल्यूम देना भैया, वॉल्यूम तेज करना, जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो चिंतित हो उठे। ऐसी अवस्था में एक मनोचिकित्सक को बुलवाया गया, वाया उसने चेक करके बताया कि इनके हाथ से कुछ दान करवाइए गरीबों को। लिखते हैं कि मिस्टर रॉकफेलर धन जमा करना तो जानता था, लेकिन आज तक किसी को कुछ दिया नहीं था। मनोचिकित्सक के कहने पर उसके हाथ से दान करवाया गया। कहते हैं कि दो चार दिनों बाद ही उसकी अवस्था सुधरने लगी। जब स्वास्थ्य में सुधार आने लगा तो और उसके हाथ से दान दिलवाया गया। दिन प्रतिदिन वो और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा था। अब जब वो स्वस्थ हो गया, एक्टिव हो गया, उसने उठने के बाद, स्वस्थ होने के बाद रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की। कहते हैं कि सबसे बड़ी चैरिटी संस्था है पूरे विश्व में, जो दूसरों की मदद करती है। ध्यान रहे, आप देते हैं, मदद करते हैं, आप उससे जुड़ते हैं, और फिर वो आगे आती है आपकी मदद करने के लिए, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में। ये रब कर देना, रब कर देना। आगे बढ़ते हैं राघव के माध्यम से। राघव लिखते हैं, राघव जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर आसीन है, मोटा पैकेज कमाते हैं, किसी ने उनसे उनकी सफलता का रहस्य पूछा। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, इसके अंदर काफी सारे सूत्र मिलेंगे आपको राघव की स्टोरी में। राघव ने अपनी सफलता का रहस्य बताया कि बचपन से ही हमारी मां हमसे कहा करती थी कि जीवन में घटने वाली हर घटना हमें कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई संदेश देकर जाती है। इतनी बार हम मां से सुन चुके थे कि एक आदत सी पड़ चुकी थी कि जब भी कोई घटना घटती उसमें क्या अच्छा है ये देखते, और ये घटना हमें क्या सबक दे रही है, क्या संदेश दे रही है वो देखते, फिर उस सबक को, उस संदेश को आत्मसात कर लेते। फॉर एग्जाम्पल बता उन्होंने, उस संदेश को, सबक को आत्मसात करते करते हम यहां से ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। एग्जाम्पल बताया है राघव ने कि काफी सालों पहले की बात, किस तरह हम सबक लेते थे और आत्मसात करते थे। सब एग्जाम्पल दिया है कि बरसों पहले की बात, मेरा करीबी मित्र तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए अपनी योगा क्लास जा रहा था। स्पीड तेज होने की वजह से संतुलन बिगड़ा, दुर्घटना घट गई, उसके चेहरे पर जबरदस्त चोटें आई, हाथ फ्रैक्चर हुआ, उसे तुरंत ही नजदीक के अस्पताल में एडमिट करवाया गया। लिखते हैं राघव, जब ये समाचार मुझ तक पहुंचा, मैं भागा हुआ उसके पास पहुंचा, जब जाकर देखा तो पाया कि माधव के पूरे चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था, क्योंकि चेहरे पर उसके काफी चोटें आई थी और हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था। नजदीक ही उसके माता पिता बैठे हुए थे जो थोड़े चिंतित तो दिखे, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना घटने के बाद भी बारंबार ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, आभार प्रकट कर रहे थे। ये घटना तो घटी, फिर भी हमारा बेटा सही सलामत है, तेरा धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। नजदीक की पत्नी, माधव की पत्नी उसकी तीमारदारी में लगी हुई थी और माधव
जो कि हमेशा से मजाकिया स्वभाव का रहा है, इतनी चोटें लगने के बाद भी, दर्द होने के बाद भी मुस्कुराता वह हमसे बात कर रहा था। लिखते राघव कि जब मैं माधव से मिलकर बाहर निकला, घर की ओर आगे बढ़ रहा था, तो जैसा कि मेरा स्वभाव है, मैंने आत्मचिंतन करना शुरू किया कि इस घटना से मैंने क्या सीखा, क्या सबक सीखा। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा मित्र जब मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। वो तो ईश्वर की कृपा रही कि सिर्फ चेहरे पर चोटें आकर रह गई, जो तो ठीक भी हो जाएगी, यदि सर पर चोट लगती तो ठीक होना मुश्किल था। मैंने उसी दम डिसाइड किया कि जब मैं टू व्हीलर चलाऊंगा तो पहले हेलमेट पहनूंगा, उसके बाद ग्रीन पहन देना, उसके बाद ही टू व्हीलर पर बैठूंगा, क्योंकि यदि मैं हेलमेट नहीं पहनता हूं तो ये मेरी लापरवाही होगी, और कोई दुर्घटना घटती है तो मेरी लापरवाही का नतीजा मेरे माता पिता क्यों भुगते हैं। तो पहला मेरा कदम रहेगा कि हेलमेट पहनूंगा और स्पीड मेरी धीमी रहेगी। सेकंड, मैंने सीखा कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी उसके माता पिता शांत थे, बारंबार ईश्वर का आभार प्रकट कर रहे थे। मैं भी समस्याओं पर, अपनी समस्याओं पर फोकस नहीं करूंगा, जो मुझे उसने दे रखा है उसका निरंतर आभार प्रकट करता रहूंगा। ये दो चीजें मैंने उनसे सीखी। आगे लिखते हैं राघव कि एक हफ्ता बीता होगा कि मैं उससे मिलने उसके घर गया। जब मैं उससे बातचीत कर रहा था तो बातों ही बातों में सहज ही मैंने उससे पूछा कि घर बैठे बैठे तो बोर हो जाता होगा। उसका कहना था कि नहीं, मैं तो अपने परिवार के साथ एक बहुत अच्छा समय बिता रहा हूं, बहुत खुश हूं। उसने बताया कि इन दिनों व्यस्त जीवन जी रहा था, परिवार को समय नहीं दे पा रहा था, ये घटना घटने की वजह से वो घर में है, परिवार को समय दे पा रहा है। लिखते राघव कि वहां बैठे बैठे ही मुझे एहसास हुआ कि हम चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारा परिवार हमेशा हमारे साथ होता है। उसी दम मैंने डिसाइड किया कि अब से मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन पर समय एकदम कम से कम दूंगा। ये समय जो मुझे बचे, मेरा बचेगा, ये परिवार के साथ बिताऊंगा, क्योंकि मेरा परिवार ही मेरी ताकत है। इसे मुझे क्वालिटी समय देकर और ताकतवर बनाना है। लिखते हैं राघव, घर लौटा, 4 दिन बाद उसका प्लास्टर खोलना था। उसके साथ डॉक्टर के पास मैं ही गया था। जब डॉक्टर ने प्लास्टर खोला तो पता चला कि इसकी हीलिंग बहुत फास्ट हुई थी। कारण यह था कि पिछले 3-4 सालों से मेरा दोस्त माधव अपनी हेल्थ के प्रति पूरी तरह सचेत था। नियमित योगा प्राणायाम करना, वॉक करना, संतुलित भोजन खाना, जिसकी वजह से उसकी हीलिंग फास्ट हुई। मैंने उसी वक्त सबक ग्रहण किया, दीप्ति जी लिख, उसी वक्त मैंने सबक ग्रहण किया कि मुझे भी नियमित योगा प्राणायाम वॉक करना है, संतुलित भोजन खाना है, कि यदि किसी कारणवश दुर्घटना घटती है तो मेरी हीलिंग फास्ट होगी। लिखते हैं राघव कि डॉक्टर के पास से जब हम वापस लौट रहे थे तो रास्ते में मैंने सहज उससे पूछ लिया माधव से कि आखिर ये दुर्घटना घटी कैसे। माधव का कहना था कि मैं टीवी देख रहा था, मेरा ध्यान घड़ी की ओर भी था कि योगा का समय हो गया है, मुझे टीवी बंद करके उठ जाना चाहिए, फिर भी मैं बैठा रहा। जब घड़ी ने 6 बजा दिया, मैं झटके से उठा, तेजी से मोटरबाइक चलाई कि ताकि मैं टाइम पर योगा क्लास पहुंच सकूं,
और दुर्घटना घट गई। लिखते हैं राघव, मैंने टाइम मैनेजमेंट का महत्व समझा और साथ ही समझा आत्म अनुशासन का महत्व। यदि समय हाथ में लेके हम घर से बाहर निकलते हैं निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए, तो वहां पर हम शांति से पहुंच सकते हैं, दुर्घटना टाली जा सकती है। दूसरा, आत्म अनुशासन, हमें पता है कि हमारा क्लास का समय है, टीवी का स्विच ऑन कर देना, ऑफ कर देना है, फिर भी देखते रहना। ये चीजें मैंने आत्मसात की। लिखते हैं राघव कि ये सारी चीजें मैंने अपने जीवन में अपनाई, नतीजा मैं दिनों दिन उन्नति करता चला गया और उच्च पद पर आसीन हो गया। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। मुझे पता है कि आप सभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नारायण नारायण।